प्रदेश में कोरोना के 496 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले गुरुग्राम से ही 260 नए मरीजों की संख्या है। कोरोना मरीजों की संख्या 4448 हो गई है। गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं जो पॉजिटिव मिले। गुरुग्राम में कोरोना के 260 नए मामले आज सामने आए, 250 से भी ज्यादा, 260 मामले। सोनीपत में कोरोना के 73 नए केस दिखे हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 56 नए केस सामने आए। झज्जर में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। नूह में कोरोना के 17 मामलों के सामने आने की खबर है। अंबाला में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। पलवल में 5। प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या है वो पहुंचा रहे हैं इस बड़ी खबर के जरिए आप तक। पानीपत में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। कुल मिलाकर 4448 कोरोना की संख्या हो गई है प्रदेश भर में। पंचकुला में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। जींद, यमुनानगर, सिरसा में कोरोना के 1-1 केस सामने आए। फतेहाबाद से 5 नए मामले आज सामने आए। कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, पैर पसार रही है यह महामारी। रोहतक में कोरोना के 25 नए केस आज सामने आए। नारनौल में कोरोना के 25 नए केस। हिसार में कोरोना के 4 नए केस। रेवाड़ी में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। कैथल कुरुक्षेत्र में 1-1 नया केस सामने आया है। बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बरस रहा है।